हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब हम ट्वाइस ऑफ CH3COO नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव को ट्वाइस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, जब हम इसके थ्रू करंट पास करेंगे, तब ये फॉर्म करेगा, तब इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल मोड CH3 दैट विल एल्केन, प्लस जो हमारे पास H2 रिमूव हो जाएगा एंड ट्वाइस ऑफ NaOH रिमूव हो जाएगा और CO2 ट्वाइस ऑफ CO2 भी रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज़ अवर रिएक्शन। अगर आपसे मैकेनिज्म पूछेंगे तो हम देखते हैं इसके ये रिएक्शन होती कैसे है मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम जब इस केस में इसको हम एक्वस से ट्रीट कर देंगे, जब हम 2CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव को जब हम एक्वस से ट्रीट करेंगे, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2CH3COO नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ सोडियम पॉजिटिव। सिमिलरली जब हम वाटर को लिखते हैं तो हम उसको O नेगेटिव H प्लस H पॉजिटिव लिखते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है दैट इज़ अवर एनोड, दैट इज़ अवर कैथोड। अज्यूम डैट हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया जिसके अंदर टू रोड्स हैं, फर्स्ट इज़ अवर दैट इज़ अवर एनोड, सिमिलरली दैट इज़ अवर कैथोड। तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसके अंदर जितने भी नेगेटिव वाले होंगे एनोड्स, यहाँ पे जितने भी नेगेटिव वाले एनोड्स होंगे वो इस कैथोड पर अटैक करेंगे और जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे वो इस एनोड पर अटैक करेंगे। तो अभी इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगी पहले कौन अटैक करेगा। तो हमेशा याद रखना, जिसके पास लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वही पहले अटैक करेगा। तो इन एनोड में हमेशा रखना इसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है और कैथोड में एच पॉजिटिव का लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। तो पहले मीन्स एनोड में ये अटैक करेगा, कैथोड में ये अटैक करेगा। सो एट एनोड में मैंने बताया था किसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होता है, 2CH3COO नेगेटिव का लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। तो इस ये इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 दैट इज़ एल्केन और CH2 रिमूव हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CO2 रिमूव, सॉरी टू नहीं लिखेंगे, ट्वाइस लिखेंगे हाँ, प्लस CO2 इस केस में रिमूव हो जाएगा और टू इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में निकल जाएंगे। तो सिमिलरली एट कैथोड, मैंने कैथोड में भी बताया था कि हाइड्रोजन हैव लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो जो ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव यू विल टू इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 जो कि रिलीज हो जाएगा। सो ये थी हमारी कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विद मैकेनिज्म।